ऊपर वाला दीवार वाला दरवाजे की पास लगी है। गेट बंद कराते हैं उसी समय हमें हमारी श्रीमती जी सब लोग बैठे थे, लेकिन मैं कुछ देर पहले ही यहाँ से निकल गया था। तो जहाँ हम लोग बैठते हैं पर्दे से बाहर, पर्दा जो लगा हुआ है उसके बाहर से लक्ष्य करके गोली चार राउंड चलाई। इसका पीछे कारण क्या होगा? आप इसके पीछे जो चुनाव के मद्देनजर दहशत फैलाने के लिए, लेकिन ये मेरे नहीं समझ आ रहा है, मुझको लक्ष्य करके गोली मारी गई, हवाई मारना चाहिए था, मारी गई। मेरी इनोवा कार में जो है सामने खड़ी थी, एक गोली डायरेक्ट उसमें लगी है और पिछले गेट में उसमें पूरा छेद हो गया है, उसको आप देख सकते हैं। बीते 21 तारीख को आपके यहाँ बमबारी हुई थी? 21 तारीख की रात में एक बार दो बम फेंके गए थे हमारे आवास पर, और पहले तो चुनाव नहीं होना था उसको कराने के लिए, अब चुनाव कराया जा रहा है। जो हमको ऐसा लगता है, अनुमान है, जो हारने वाला कैंडिडेट अपने समझ रहा होगा उसने डिस्टर्ब करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ऐसा कार्य किया है। मैं स्वस्थ वातावरण में अच्छा चुनाव कराना चाहता हूं और चुनाव कराऊंगा। किन्हीं ऐसे अज्ञात पर मुझको कोई भय नहीं है, भयभीत हैं तो हमारे परिवार के लोग जरूर हैं। मैं रात में कुछ पहले निकल गया, बगल में मेरा घर है हुसैनाबाद में, मैं उस पर रहा, तो मैं बिना किसी के बताए मैं चला जाता हूँ। बाद में फ़ोन आज कर देता हूँ घर पर कि मैं वहाँ से निकल आया हूँ, चला आया हूँ यहाँ। FIR आपने करा दिया? मैं अभी FIR के लिए तैयार कर रहा हूँ। रात में ही पुलिस आ गई, CO आ गए, सबसे हमारी बात हुई, मैंने CO सूचित कर दिया था वहाँ से। मेरे ऊपर कोई हमला हुआ, मैं मुख्यमंत्री से बात करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, और अगर मेरे ऊपर कोई भी स्थिति बनती है तो सारी जिम्मेदारी ये जिला प्रशासन की होगी। लाइन बाजार मौके पर गए थे, सारी चीज़ों को खंगाला था इन्होंने और मीडिया फुटेज भी देखा था जिसमें कुछ सुराग मिले हैं, और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि बार बार उन्हीं के यहाँ इस तरह की वारदात क्यों हो रही है। क्या चुनावी रंजिश तो नहीं है? संभव है, किसी भी बात से इनकार नहीं किया सकता जब तक पूरे तथ्यों को पुलिस जान न ले और घटना का अनावरण न हो जाए, तब तक हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि चुनाव का माहौल है तो कुछ लोग इस तरह से संवेदनशीलता फैलाने या फिर जो है उसका अपने निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उपयोग करने के उद्देश्य से भी ऐसी घटना की जा सकती ही है, कराई भी जा सकती है। इससे पहले भी दो बार क्या? हाँ, जो समझ में नहीं आ रहा है वहाँ CCTV भी लगा हुआ है उनके यहाँ, इनकी क्या रंजिश है किसी से ये तो प्रिंसिपल साहब भी बता सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब ने कोई तहरीर दी है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, और पुलिस अपने स्तर से भी जाँच कर रही है कि एक्चुअल में इस घटना के पीछे क्या हो सकता है, चुनावी हो सकता है, कोई और बात भी हो सकती है इसके पीछे। प्रथम दृष्टया जांच में यही निकला है कि इनको किसी क्षति कारित करने के उद्देश्य से ऐसे कृत्य नहीं किए जा रहे हैं। ये एक मिस्चेवियस एक्ट है जो शरारती तत्व इनको या तो डराने धमकाने के उद्देश्य से या किसी अन्यथा और उद्देश्य से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं।